अरे अरे राहुल, अरे 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 राहुल, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने ऑटो रिक्शा को तुमने मेरी मोटरसाइकिल पे पलट दिया। अरे जब तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाना नहीं आता है तो क्यों चलाते रहते हो, ये बताओ। अरे वो तो मैं बाल बाल बच गया, ऑटो रिक्शा अगर मुझसे टकरा जाता, वो तो ये कहो तुम्हारा ऑटो रिक्शा मेरे साइड से निकल के चला गया और मेरी मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से पे रख गया जाके। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ मोदी जी, तुम्हारे चक्कर में ही तो ये हुआ है, तुम बीच रोड पे चल रहे हो, तुम मेरे सामने थे, एकदम मैंने अपने ऑटो रिक्शा का हैंडल मोड़कर तुम्हें बचाया, नहीं तो मेरा ऑटो रिक्शा सीधा तुम्हारी मोटरसाइकिल से टकराता। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा ऑटो रिक्शा देखो पलट गया। अरे कोई आके मेरे ऑटो रिक्शा को सीधा करा दो। अरे योगी सर जी खड़े खड़े देख रहे हो, आ जाओ सीधा करवा दो ऑटो रिक्शा को। अरे भाई राहुल, तुम्हारा ऑटो रिक्शा कोई फूल थोड़ी है जो मैं अकेले अपने आप सीधा कर दूंगा। अखिलेश वहां क्या पीछे खड़े हो, इधर आओ, इनका ऑटो रिक्शा सीधा करवाओ राहुल का। भाई साहब मोदी जी गलती तुम्हारी है, तुम बिल्कुल बीचा बीच रोड पे मोटरसाइकिल चला रहे थे, तुम्हें बचाने के चक्कर में राहुल का ऑटो रिक्शा पलट गया। योगी जी आप भी मुझे को दोष दे रहे हो, मेरी मोटरसाइकिल की पिछली लाइट उट सब तोड़ दी इन्होंने, क्योंकि राहुल का पूरा ऑटो रिक्शा मेरी मोटरसाइकिल के पीछे हिस्से पे रखा हुआ है। जल्दी हटाओ इसे, हटाओ, जल्दी हटवा दो योगी जी। अरे अखिलेश तुमने सुना नहीं, जल्दी राहुल का ऑटो रिक्शा सीधा करवाओ, उसका पूरा ऑटो रिक्शा मोदी जी की मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है। राहुल तुम अंदर कैसे हो ऑटो रिक्शा के, तुम निकल के आओ बाहर को। अरे योगी जी मैं किस तरीके से निकल के आऊं, कैसे निकल के आऊं, मैं अंदर बुरी तरीके से फंसा हुआ हूं, मैं अपने पैरों के बल पे पूरे ऑटो रिक्शा को रोका हुआ हूं, जल्दी सीधा करवाओ। कहां पर आई है अखिलेश जी, जल्दी बुलाओ उन्हें। अरे भाई आता हूँ राहुल आता हूँ, क्यों आपत काटे पड़े हो, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, आता हूँ मैं। अरे थोड़ी देर इंतजार करो, ये क्या बात हुई थोड़ी देर इंतजार करो। अरे अखिलेश जी यहाँ क्या बैठे हम आराम से मूवी देख रहे हैं, जो थोड़ी देर इंतजार करो। अरे थोड़ी देर फंसे रहोगे तो कम से कम इतनी तेज तो ऑटो रिक्शा नहीं चलाओगे, याद तो रहेगा तुम्हें, थोड़ी देर ऐसी फंसे रहो। योगी जी फंसे रहने दो इन्हें, चलो करवा देता हूँ मैं तुम्हारा सीधा ऑटो रिक्शा, लेकिन आगे ध्यान रखना तेज मत चलाना, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब ये बहुत गलत कर रहे हो, मैं तो बेकार हो जाऊंगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मेरी कार कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ दो यहीं पे, छोड़ दो इस कार को, मेरी इतनी बड़ी गलती तो थी नहीं कि आप मेरी कार को घोड़ा गाड़ी पे लाद के ले जा रहे हो। अरे उमेशी जी गलती की बात करती हो, अपनी गलती को गलती नहीं मान रहे हो तुम। अरे इतनी घटिया कार रखती हो कि बीच आबादी में कार बंद हो गई तुम्हारी, 50 किलोमीटर पीछे और 50 किलोमीटर तुम्हारी कार के आगे जाम लग गया, 5 घंटे लगे हमारी पूरी पुलिस फोर्स को जाम हटाने में, तुम्हारी कार तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे मोदी जी तो इसमें मेरी क्या गलती है, बीच आबादी में मेरी कार खराब हो गई, बंद हो गई बीच रोड पे तो जाम लग गया। अगर तुम्हारी कार खराब नहीं होती वैसी जी तो मैं चला के ले जाता, लेकिन तुम्हारी कार खराब है इसीलिए मुझे योगी जी की घोड़ा गाड़ी पे ले जाना पड़ रहा है इसे। अब तुम्हारी कार को पुलिस थाने में जाके सीज कर दूंगा, बिल्कुल छुड़ाते रहना कोर्ट से। वैसे मोदी जी हमें क्या भाड़ा मिलेगा वैसी जी की कार को थाने तक पहुंचाने के लिए, किस बात का भाड़ा योगी जी, कानून की जरा सी सेवा नहीं कर सकते तुम, कानून तुम्हारी इतनी सेवा करता है, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा वैसी जी की कार को थाने पहुंचाने का। अरे मोदी जी कैसी बात करती हो, मैं इतनी देर में कम से कम 500 रुपए की दिहाड़ी कर लेता अपनी घोड़ा गाड़ी से, अरे थाने में पहुंच के कुछ तो पैसे दिलवा देना मुझे। अरे मोदी जी मेरी कार को यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, इतना सख्त मत बनो, मैं बिना कार के बेकार हो जाऊंगा। यातायात के लिए मेरे ऐसी नियम है, सख्त नियम है। अरे क्यों भाई कैसे जा रहे हो, तुम्हारा हेलमेट कहाँ पर है? योगी जी रोको अपनी घोड़ा गाड़ी को, ये जो जा रहे हैं बिना हेलमेट के इनका मैं चालान काटता हूँ। अरे भाई मोदी सर जी मैं साइकिल से हूँ, साइकिल पे किस बात का हेलमेट? अरे एक तो ओबेसी जी की कार उठा के ले जा रहे हो, क्या मेरा भी चालान काटोगे साइकिल पर बिना हेलमेट के? फिक्र मत करो राहुल, जल्द से जल्द मैं साइकिल पे भी हेलमेट चालू करवाऊंगा, मुझे लगा तुम मोटरसाइकिल से हो। अरे मोदी जी ओबेसी जी की कार छोड़ को ना दो, बेचारे बहुत उदास हैं और योगी जी भी बहुत उदास हैं, उनका भाड़ा नहीं मिल पाएगा। चलो अखिलेश तुम बोले इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ वैसी जी की कार, वैसे मैं किसी की बात नहीं मानता लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे मोदी जी जल्दी शर्त बोलो। योगी जी का जितना भी भाड़ा बना वैसी जी तुम दे दो और अपनी कार को सही तरीके से सही करवाओ, आबादी में आप खराब नहीं होना चाहिए। अरे मोदी जी जैसी आपकी आज्ञा, योगी जी का किराया अभी देता हूँ मैं, रोको योगी जी। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।